तभी कौन हत्यारी गेंद नीलो के हाथ से चिपक गई। आई हत्यारी गेंद नीलो का हाथ चबा गई। नीलो चीखता हुआ दरवाजे पर झपटा, बचाओ बचाओ। लेकिन दरवाजा खोलते ही नहीं। नीलो लाश में बदल गया। नीलो के घर से चीखने की आवाजें आई थी, जरूर उस पर कोई मुसीबत टूट पड़ी है। लाश नीलो भी मारा गया। उफ, इसका चेहरा। अगले दिन नीलो के अंतिम संस्कार के बाद संध्या को गांव की चौपाल पर, गांव में ये दूसरी हत्या है चौधरी साहब, न जाने हत्यारों ने दोनों को क्यों मार डाला। नीलो कह रहा था उसने फुटबॉल जितनी बड़ी और भयानक गेंद देखी थी जिसने जीवन का कत्ल किया, लेकिन ऐसी गेंद आई कहां से? जरूर किसी ने प्रेत मारक सिद्धि के बल का दुरुपयोग किया है। कहीं करीम मियां ने ही तो वो भयानक गेंद नहीं बनाई? हो सकता है वही इस प्रकार के मुखौटे तैयार करता है। चलो उसी से चलकर पूछते हैं। उधर करीम, अरे ये मुखौटा गेंद यहाँ कैसे आ गई? इसे तो मैंने सेठ साहब को चिंगारियां रबर के चमगादड़ से टकराई। कुछ सोचते हुए करीम की आंखें भय से फट पड़ी। तभी चमगादड़ चिचियाता हुआ करीम पर झपटा। जब गांव वाले वहां पहुंचे, करीम का भी खून हो गया। ये इसके चेहरे पर रबर का चमगादड़ चिपका हुआ है। उफ, ये तो बुरी तरह से चिपटा हुआ है। खून? रबड़ का चमगादड़ करीम का खून पी गया। रबड़ का चमगादड़ खून कैसे पी सकता है? गांव में प्रेत मुसीबत टूट पड़ी लगती है चौधरी साहब, ये तीन हत्याएं उसी का परिणाम है। न जाने और कितने खून होंगे, शायद किसी गांव वाले ने किसी आत्मा को सताया है, वो आत्मा बदला ले रही है। भीड़ में खड़े छंगा के होश खराब हो गए। जीवन और नीलो का कत्ल पहले हुआ, कहीं ये वही आत्मा तो नहीं जिसे मैंने सेठ की बेटी तारा पर छोड़ दिया था? छंगे, तू भी तो तंत्र विद्या साधता है, तू कोई उपाय नहीं कर सकता रे? मैं? नहीं नहीं, इस तरह कैदी बनाई आत्मा को मैं सिद्ध नहीं कर सकता। कैदी बनाई आत्मा? क्या मतलब? तुझे कैसे पता कि उस आत्मा को कैदी बनाया गया है? मुखौटा गेंद के बारे में सुनकर। इस प्रेत को केवल पंडित रघुश्री सिद्ध कर सकते हैं। पंडित रघुश्री? चौधरी साहब, इस प्रेत को नष्ट करने का एक ही उपाय है और वह बहुत मुश्किल है। अरे पंडित जी, आप? और आप यह क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, जब तक उस गेंद के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते वह हत्यारी बनी रहेगी और अपने सभी दुश्मनों को एक एक कर समाप्त करेगी। क्यों छंगा? हाँ। उसी रात अपनी जान उस प्रेत से बचाने के लिए मुझे उससे भी बड़े प्रेत की सिद्धि करनी पड़ेगी। छंगा एक पेड़ के नीचे बैठ गया। झोले में से उसने निकाला एक पिंजरा। इस उल्लू का खून कराएगा प्रेत सिद्धि। तभी ये झोले में क्या हिल रहा है? उसने झोले में हाथ डाला। हाथ बाहर निकालते ही उसके शरीर ने ढेरों पसीना छोड़ दिया। नहीं! बचाओ! उधर मालती तथा सेठ प्रताप चंद
छंगा की लाश भी कल कब्रिस्तान में मिल गई है। छंगा भी मारा गया? और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है सेठ? पंडित रघुश्री, आप? अगर आपने उस मुखौटा प्रेत गेंद को दफना दिया होता तो आज एक साथ इतनी हत्याएं ना हुई होती। अब जो होना था हो गया, लेकिन अब क्या करें? कहीं वह हत्यारी गेंद यहाँ? घबराओ नहीं, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हारे घर के चारों ओर सुरक्षा कवच बना दिया है। रात को कैसी भी मुसीबत पड़े घर की दहलीज मत लांघना, ठीक है? सुनो, तारा को ये सब मत बताना, वह डरेगी। उसे रात में घर से बाहर निकलने को मना कर दूंगी। रात को तारा, ए तारा, कौन बुला रहा है? अंधेरे में कोई दिखाई भी तो नहीं पड़ रहा। बाहर आओ तारा, मैं हूँ गांव का चौधरी। यहाँ तुम्हारे पिता का खून हो गया है। दूसरे ही पल चीखती हुई तारा कमरे से बाहर थी। नहीं, ये नहीं हो सकता पिताजी। तारा की चीख सुनकर दोनों उछलकर खड़े हो गए। ये तो तारा की चीख थी, कहीं वह कमरे से बाहर तो नहीं निकल गई? सामने का दृश्य देखते ही उनके होश उड़ गए। तारा, मेरी बच्ची। अब तेरे चश्मे रहने नहीं आया, बल्कि तुझे गुम गुम आया। वह हत्यारी गेंद उसे मार डालेगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, अगर आपने इस सुरक्षा चक्र को पार किया तो आपको भी नहीं छोड़ेगी। पागल मत बनो, अगर मैं बाहर नहीं गया तो वह तारा को भी मार डालेगी। हत्यारी गेंद जैसे ही तारा पर झपटी, गेंद एक पेड़ से टकराकर रॉकेट की तरह सेठ प्रताप से टकराई। पिताजी, नहीं! हंगामा मच गया। क्या हुआ, क्या हुआ? पिताजी, हे भगवान, ये क्या हो गया? नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। सेठ प्रताप का खून हो गया। इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई है, कोई नहीं बचेगा। पंडित यह खबर सुनकर चौंक पड़ा। क्या, सेठ प्रताप का भी खून हो गया? ओह, मुझे इसी बात का डर था। उफ, इस प्रेत ने तो गांव में खून की नदी बहा दी है। पंडित जी, सेठ प्रताप के बाद अब शायद सेठानी और तारा का नंबर है। नहीं चौधरी साहब, अब मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। आज ही मैं कोई उपाय करूंगा। काली पुतली। पंडित जी, जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि हत्यारी गेंद उन दोनों की भी जान ले ले। ठीक है, मैं अभी जाकर पूरी तैयारी करता हूँ। और पंडित जी तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दिए। उसी रात जमीन के नीचे से ये कैसी आवाज आ रही है? भय से कांपती अभी वह उठना ही चाहती थी कि कल तो तू मेरे हाथों से बच गई थी, पर आज तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा। ठीक उसी पल बाहर, ओह, तारा की जान खतरे में है पंडित जी, जल्दी कीजिए। भीतर तूफान मचा हुआ था। दीवार पटंगी तलवार उतार ली तारा ने। हत्यारी गेंद, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठीक इसी पल बाहर के दरवाजे पर पड़ी एक भरपूर चोट। पंडित जी, जल्दी कीजिए, जल्दी नहीं तो यह हत्यारी गेंद तारा को भी जीवित नहीं छोड़ेगी। आह, मेरी बच्ची, माँ!
तारा की टांगे छोड़कर हत्यारी गेंद पुनः तारा के सिर की ओर झपटी। उसी क्षण पंडित जी का हाथ ऊपर उठा और उन्होंने काले कपड़े से बनी उस पुतली को मंत्र बोलते हुए जमीन पर दे मारा और एक तेज चीख गूंजी और फिर शांति छा गई। चौधरी साहब, इस सारे खूनी खेल के जिम्मेदार यही लोग थे जो हत्यारी गेंद का शिकार हुए। काश इंसान के भीतर पनपती बदले की भावना हमेशा के लिए समाप्त हो जाती। मेरी बच्ची, तू तो ठीक है ना? हाँ माँ। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।